अब तक आपने देखा, राजकुमारी कुंती नवजात करण का त्याग करती है और सुषेण अधिरथ करण की रक्षा कर उसे घर ले आते हैं। अधन इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुप्रत की ओर प्रस्थान करता है। कर्ण राधा का प्रेम पा सके इसलिए कस्तूरी मृग ढूंढने हिमालय पर्वत पे जाता है। वहीं कर्ण हस्तिनापुर के सम्राट पांडु से मिलता है और वह उसे अपनी पत्नी कुंती के पास ले जाते हैं। कर्ण को देखकर कुंती को अपने त्यागे हुए पुत्र का आभास होता है। इधर कर्ण को अनुपस्थित पाकर अधिरथ और उच्चसेन कर्ण को खोजने निकलते हैं। उधर कर्ण पांडु की धनुर्विद्या के प्रदर्शन से प्रभावित होता है तथा उसका उत्साह देखकर, तुम चेष्टा करोगे? तभी वहां हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम भीष्म आते हैं और कर्ण की धनुर्विद्या के कौशल को देखकर स्तंभ रह जाते हैं। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं। तथा कर्ण के सूत पुत्र होने का पता चलने पर वह कर्ण से धनुष छीन लेते हैं। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। अब आगे, आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। आपके विवाह के समय मैं कुंती भोज नगर में ही था, अपना दिव्य रथ लेकर आया था मैं यहाँ। कर्ण का है महाराज? चिंता ना करें महोदय, वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। हम कर्ण को ढूंढने जाते हैं महाराज। राधाश्री शीघ्र कीजिए, उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पुत्र संकट से दूर रह नहीं पाता महाराज, कहीं उसके कारण महारानी कुंती पर कोई संकट ना आ जाए। राधाश्री शीघ्र कीजिए। तुम्हारी माता का नाम क्या है कर्ण? राधा। और मेरा एक अनुज है शून, वो मुझसे एक पैर से भी छोटा है। अच्छा, एक पैर से भी छोटा है? तब तो उसकी रक्षा का सारा दायित्व तुम पर होगा, है ना? मैं सदा ही उसका रक्षण करता हूँ, इसलिए तो मैं कसूरी मृग पकड़ने अकेले आया हूँ। वरना उस पर संकट आ सकता था ना। चलो कुछ देर वहाँ विश्राम करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं, मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। इस समय कस्तूरी मृग भी विश्राम कर रहे होंगे। आओ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। कर्ण, 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 कर्ण। एक बात बताओ, तुम इतनी दूर कस्तूरी मृग लेने क्यों आए कर्ण? अब कस्तूरी मृग इतने दूर रहते हैं तो दूर ही आना पड़ेगा ना। गांव के पास ढूंढता तो कस्तूरी मृग के स्थान पे चूहे प्राप्त होते। चूहे? हमारे घर में बहुत चूहे आते हैं। चूहे के नाभि से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? आ जाओ, आओ। क्योंकि ईश्वर ने कस्तूरी केवल एक ही मृग को दिया है। किंतु आपके ताऊश्री कहते हैं कि धनुर्विद्या केवल क्षत्रियो को ही दी है ईश्वर ने। हाँ,
ऐसा शास्त्र में कहते हैं। तुझे और मृग के रंग और आकार में भेद है, किंतु मेरे और उनके रंग और आकार में भेद नहीं। तो ईश्वर को क्षत्रिय क्यों किया है? क्योंकि ईश्वर का निर्माण है, समाज का नियम है। समाज? समाज क्या होता है? समाज ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान होता है पुत्र। ईश्वर से भय नहीं लगता, समाज भयभीत करता है। अब निद्रा करो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माता के बिना निद्रा आएगी? माता मुझे प्रतिदिन लोरी सुनाती है। कौन छोटा है ना, इसलिए माता उसकी खाट पर बैठकर उसके बाल चलाती है, किंतु वो लोरी मैं भी सुनता हूँ। आपका तो कोई बालक नहीं। आपको तो लोरी नहीं आती होगी। लोरी अपने बालपन में मैंने भी अपने माता के मुख से सुनी है कर्ण। सुमधुर है? यदि सुमधुर नहीं है तो मत सुनाना। मुझे प्रिय थी, तुम आंखें बंद करो, मैं सुनाती हूँ। कोई चिंता नहीं। राताश्री महारानी कुंती के साथ है, यही चिंता का विषय है। कहीं कर्ण के कारण उन्हें कोई हानि ना। चलिए देवी कुंती, आप मेरी सहायता करने वाली थी ना कस्तूर में पकड़ने में। चलिए कर्ण, कर्ण रुको, कर्ण मैं आ रही हूँ। कर्ण, कर्ण,
पीड़ा तो नहीं ना तुम पुत्र? कितने भयभीत क्यों पुत्र, मौन क्यों हो पुत्र, क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? खैर पत्नी, तुम मौन क्यों? क्या हुआ? खैर ईश्वर की कृपा कि तुम ठीक हो। अधीरज सुशील, आप मेरे पिता के सारथी थे ना? जी महारानी, ये कर्ण है मेरा पुत्र। ऐसी कौन सी बात है जो महामहिम भीष्म को चिंतित कर रही है? जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य मिल नहीं जाते, मेरा जीवन कार्य पूर्ण नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु ताऊ, ज्येष्ठ भ्राता श्री तो सिंहासन पर बैठे ही हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंध जो हैं, क्या कर सकते हैं अगर प्रजा उसे राजा मानने को सज्ज नहीं। दुखदाई है किंतु समाज का सत्य है। पुत्र, एक मर्यादा 100 सामर्थ्य को छुपा देती है। धीरथ महोदय, कुछ क्षण कर्ण को विश्राम कर लेने दीजिए। अधीरथ महोदय, सहसे आपने मेरे पिता की सेवा से निवृत्ति क्यों ले ली थी? शीघ्र ही आप मुख्य सारथी बनने वाले थे,
महत्वाकांक्षा तो वही थी राजकुमारी, किंतु कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और देवी औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। किंतु ताऊ, भाभी श्री की कोख से जन्म लेने वाली संतान तो राजा बनी सकती है। वत्स, यही तो पीड़ा है। गांधारी पिछले एक वर्ष से गर्भवती है, किंतु प्रसव ही नहीं हो रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अंध को राजगद्दी पर बैठाकर राज परिवार ने घोर पाप किया है, देवता उसका दंड दे रहे हैं। हस्तिनापुर के लोगों ने हस्तिनापुर को त्याग कर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान करना आरंभ कर दिया है। वत्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ईश्वर की इच्छानुकूल कार्य करे। ईश्वर की इच्छा शायद यही है कि कुंती का पुत्र हस्तिनापुर का सम्राट बने। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है, ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था।